अस्सलाम वालेकुम जी। हरे खुश रहे, आप आद रहे। आज बनाऊंगी भिंडी दम वाली होती है ना, ये आज दम वाले भिंडी बनाएंगे। ये कैरी है, चटनी बनाऊंगी, इसमें भी डालूंगी कि दम वाले भिंडियाँ भी बनाऊंगी, बना कर आपको दिखाऊंगी। बहुत अच्छी लगती है भिंडी, बच्चे शौक से खाते हैं। ये सब्ज़ी गर्मी की मौसम भी है, अच्छी लगती है भिंडी। A few moments later. काट दिए, अभी इसका मसाला बनाऊंगी, फिर इसमें बीच में देंगे मसाला। दाने डाले थे, हल्दी डाली थी, ये लाल मिर्चें, इसमें नमक ऐड करूंगी। मिक्स करूंगी इसको, मिलाकर इस भिंडी में भर दूंगी, भिंडी को मसाले से। भिंडी में ये जो होती है ना, इसमें मसाला डालते हैं, ये बच्चों शौक से खाते हैं। वो जो काटी हुई है ना, वो नहीं खाते हैं, कहते हैं मीने अच्छी नहीं लगती। इसमें हमें बहुत मज़ा आई है, दम वाली होती है ना भिंडी, ये अच्छी लगती है दम वाली। ऐसे लगता है ये भुगल कढ़ाई से होता है ना, ऐसे ये भिंडियाँ लगती हैं, इसका सालन अच्छा लगता है। A few moments later. में मसाला ऐड कर दिया है, इसको भर कर मसाले से रखा है। अभी प्याज काटूंगी, अभी प्याज काटूंगी। भिंडी जो है ना, प्याज के बगैर नहीं बन सकती, प्याज अच्छा लगता है भिंडी में। इसमें पानी थोड़ा सा आध कप जितना डालता है इसमें, तले में उसका तला वगैरह नहीं लगता है, उसका हल्की आंच पे उसको रख ले, पक जाएंगे। इसमें प्याज काटूंगी, बारीक बारीक काटूंगी ना, अच्छे लगेंगे। बनाए तो ये पड़ता है, प्यास पड़ता है हर सालन में, जो बनाए जो इसकी केरी की चटनी करते हैं उसमें भी डालते हैं। A few moments later. मैंने काट दिए, इसमें अभी टमाटर काटेंगे। केरी काटूंगी चटनी के लिए, इसको काटूंगी, इसका ये पिट्टा होता है ना अंदर, इसका केरी का ये निकालूं बाहर के लिए। केरी काटेंगे, अच्छी लगती है, इसके भिंडिये के साथ खा ले ना, बहुत अच्छी लगती है। इसमें प्याज भी डालेंगे, डालेंगे प्याज, हरा मिर्च डालेंगे इसमें, बहुत अच्छी लगेगी। काट कर रखे हैं, ये भिंडी है, ये प्याज है, टमाटर है, ये कैरी है, ये टमाटर है, प्याज है, भिंडी है। अभी चलते हैं किचन के पास। A few moments later. मैं ऑयल डालूंगी, प्याज डालेंगे, ढकना ऊपर देंगे, गोल्डन हो जाए इसके ऊपर ढकना दूंगी। A few moments later. तो गोल्डन हो गए, इसमें टमाटर ऐड करूंगी, इसको हिलाऊंगी थोड़ा सा चमचे से,
ये भिंडियाँ ऐड करूँगी। इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। इसमें पानी थोड़ा सा आधा कप इसमें डालेंगे। ये दम वाले भिंडी है, इसमें तला लग जाए इसमें ऐड करेंगे आधा कप पानी का। इसको दम पर छोड़ देंगे, ये पक जाए। 2000 years later हमारा सालन हो गया है तैयार। अब इसको निकालेंगे प्लेट में। बिस्मिल्लाह, केवी के लिए, चटनी के लिए अभी इसमें केवी डालूंगी। इसमें नमक ऐड करेंगे, लाल मिर्च ऐड करेंगे। ये हरा सा मिर्च, ये प्याज इसके साथ हो ना तो ये चटनी अच्छी बनती है। इसको कूटूंगी। A few moments later हमारी हो गई है तैयार। अभी इसको निकालेंगे प्लेट में। A few moments later हमारे ये दम वाले भिंडियाँ थे, आप लोगों को पसंद आया होगा। इसको लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। यहाँ से कैरी की चटनी, इसमें प्याज काटा था, इसमें डाला था, हरा मिर्च डाला था, मसाला वगैरह जो था, आप लोगों को पसंद आया तो इसको कमेंट करें, शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। खुदा हाफिज़।